अब मैंने आईब्रो के नीचे से स्टार्ट किया इधर से, और आईब्रो से गैप नहीं रखना बाद में, बिल्कुल आईब्रो के साथ साथ से होते हुए हमने इसको प्रोडक्ट को स्प्रेड करना है, और फ्रंट में इस तरीके से लेकर आना है, और बैक में भी हमें इस तरीके से लेके, उसके बाद हम ऐसे जा रहे हैं आई के शेप में, वाइपिंग मोशन में, बैक एंड फोर्ड, बैक एंड फोर्ड, बैक एंड फोर्ड। अब मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रख लिया, डिपॉजिट द प्रोडक्ट, देन ये जो करते हो, अगर आपको लगे कहीं पर अपने हल्का सा स्ट्रेच करना, आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कई बार आई का एरिया कैसा सा है। हम थोड़ा सा आगे तक जाएंगे यहाँ तक, क्योंकि लाइट कलर है तो इस करके आगे तक भी आ जाएगा, तो इट्स ओके। अब हमने इसको थोड़ा स्ट्रेच किया, पहले हम लेंगे वर्टिकल स्ट्रोक, देन थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हम क्यों देते हैं, जैसे मेरी वीडियोस देखी होंगी ट्रू फॉलोअर जो है उसको तो पता होना चाहिए। क्योंकि आज हम ना कोई पिगमेंट या ग्लिटर नहीं यूज करने वाले, तो डे वन है, एक तो क्या वैसे भी आपको उसके बिना आना चाहिए, दूसरी बात क्या है कि अगर डे वन पे सारा कुछ यूज करा दो तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल बेसिक है। थोड़ा सा इस कॉर्नर हल्का सा कॉर्नर यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ, और बहुत ज्यादा पीछे नहीं कलर जाएगा, थोड़ा रहेगा, स्लाइड समा बी में आप बोल सकते हो थोड़ा सा, पर सारा मेरा स्ट्रोक्स में जा रहा है, लाइट रहेगा मतलब कलर। लैश लाइन के साथ साथ आपने सिर्फ इसको इस तरीके से चलाना है, बहुत इजी है, बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ, और कॉर्नर अप्लाई किया हुआ ऐसे। हाँ मैंने भी ऐसे ही किया हुआ, मैंने पर थोड़ा सा ब्रॉड और रफली दिया है, दे सकते हैं आप ये नहीं लगाना चाहते नीचे वाला मैट भी लगा सकते हो, खाली आप ये ऑप्शन है। वहाँ पे नहीं दोगे, पर अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे हाइलाइटर चाहिए फिर आप दोगे, क्लाइंट की चॉइस तो फिर सर आंखों पे ना, सर चाहिए आपके लिए कि है पिंपल्स पे उसके हाइलाइटर लगाने का मन है तो क्या करोगे, जिंदगी भर नहीं लगाओगे। व्हाट्सएप ने जो बिजनेस वाला वो निकालो। अब हमने कहाँ पे हाइलाइटर रह गया हमारा, अब हम यहाँ पे फ्रंट पे कोई सा भी हाइलाइटर दे सकते हैं, चाहिए दे दें चाहिए दे दें, तो क्या होगा इससे शार्प लुक आ जाएगी, और वैसे भी यहाँ से इनर कॉर्नर में ब्राइटनेस आ जाएगी। वहाँ पे नहीं भी देना तो चल जाएगा, पर अगर देना भी है तो सिर्फ इतने पोर्शन पे देना, नीचे वाली ब्लेंडिंग खराब नहीं करनी, ठीक है। फ्लफी फ्लैट ब्रश है मेरे हाथ में, ठीक है, यहाँ पे छोटा वाला राउंड ब्रश रहेगा, ओके। देखो मैं कितने प्यार से वो दे रही हूँ,
यहाँ पे ये कॉर्नर जो है हल्का सा यहाँ पे कलर का गैप है, थोड़ा सा, बहुत क्लोजली दिखोगे तो, पर हमें वो गैप भी नहीं चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सटल सा कलर लेंगे, पिक करेंगे वो कलर, हाँ जैसे जो भी क्लोज वाय कलर हो, जैसे ये और ये कलर मैं मिक्स कर रही हूँ इसलिए कि दोनों का लाइट सा कलर आ जाए। टैप ऑफ किया और यहाँ पे मैंने इस पेज को थोड़ा फिल कर दिया जिससे मेरी फिनिशिंग जो है एकदम क्लोजअप से क्लोजअप शेप वो आ जाए, शॉर्ट्स आ जाए, एकदम फिनिशिंग जो है बहुत अच्छी है। ठीक है, आपको बता दूँ जैसे मुझे ये वाला शेड मुझे थोड़ा सा लाइट कलर बीच में सेंटर सेंटर में करना है ओम्ब्रे में, मेरे को वैसे भी आदत है दो कलर मिक्स करने की, आई डोंट नो व्हाई। नीचे वाला कलर उसमें फर्क नहीं पड़ता, ग्लॉस जो है कोई सा भी लगा लो, ग्लॉस तो थोड़े टाइम बाद लाइट होगा ही होगा, नीचे का जो है उसमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने दो तीन बार स्प्रे किया है ना स्टे रहने के लिए मेकअप, तो जैसे नॉर्मली हमें घर वगैरह रेडी करने आती है वो बिल्कुल लास्ट में एंड में करती है, तो हमें तभी वो घर घर जाती है ना, फिर मेकअप कितने का करवाते हो? नहीं क्या नहीं, मतलब फिर दो तीन बार बीच में कर लेना चाहिए। जैसे आपने देखो मैं तीसरी बार जो मैंने किया था ना वो तो मैंने आपको एक हैक बताया था कि अगर कोई गड़बड़ हो गई बीच में वो बताया था, कंपल्सरी स्टेप जो है वो एक ही बार वाला है, स्टार्टिंग वाला चाहे वो एक बार उस टाइम पे कर लो, मैं एंड वाला स्टेप स्प्रे भी नहीं करती क्योंकि हमें वीडियो बनाते ना आदत पड़ी हुई, तो मैं अदरवाइज मैं अपने फेस पे भी आज देखा होगा मैंने आज ना आज स्प्रे किया ना कल किया ना परसों किया ना, मैं ब्राइट स्प्रे करती हूँ तो क्योंकि मेकअप इतना लॉक हुआ होता है तो नहीं करने की जरूरत पड़ती, तो इस करके कंपल्सरी स्टेप जो है जो मैं करती हूँ जब मैं प्राइमर के वो मॉइस्चराइजर के बाद लगाती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग वो एक कंपल्सरी स्टेप है। उसके बाद स्प्रे वाला स्टेप तब है जब हमारी कोई गड़बड़ हो जाती है उसको हम ठीक करने वाले। ठीक है, ऊपर भी नहीं बाद में लैशेस को फिर स्प्रे कौन करता है, लैशेस को तो वैसे ही रखते हैं, एक बार बीच में किया था ना लैशेस वगैरह तब तक हो चुकी थी तो लैशेस को तो ढकेंगे ना, लैशेस का तो स्प्रे से कोई लेना देना नहीं, तो हमने हाथ तभी तो आंखों के ऊपर रखते हैं जब भी स्प्रे करते हैं। तो ये हमारी जो है लुक रेडी हो चुकी है, कैसे लग रही है, नेक को सीधी करना, गर्दन को भी ये मैच कर देंगे। ठीक है, गर्दन और फेस इतना मैच होना चाहिए। अब वैसे देखा जाए ये इनका अपना रंग है तो ये है ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਆ ਸੋਹਣਿਆ।